नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल देसी खाना देसी व्लॉग में। तो मैं आज आप सभी के साथ अप्पे की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो कि एक कटोरी सूजी में आप घर पर बहुत ही टेस्टी और हेल्दी अप्पे बना करके तैयार कर सकते हैं। और साथ ही मैं एक ऐसी चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी जिसे आप समोसा, कचौड़ी या फिर किसी भी स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के अप्पे और चटनी की रेसिपी शुरू करते हैं। तो अप्पे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप एक बार ग्राइंडर जार में डाल के उसे पीस लीजिए, जिससे कि वो थोड़ी बारीक हो जाए। तो आपको मेजरमेंट के साथ सब चीज़ें लेनी है, तो एक कटोरी या फिर कोई कप सेट कर लीजिए। अब इसके बाद इसके अंदर हाफ कटोरी दही डाल देंगे। तो आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है कि एक कटोरी सूजी में हाफ कटोरी दही डालनी है और हाफ कटोरी इसके अंदर पानी डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स या फिर गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। दही को, पानी को और सूजी को अच्छे से फेंट लेना है। अच्छे से फेंटने के बाद आपको इसे ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है, जिससे कि सूजी फूल जाएगी, अच्छे से सेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है, अच्छे से मैंने फेंट लिया है। तो अब इसे ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक हम अपनी चटनी तैयार कर लेंगे। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आपको ग्राइंडर जार लेना है, उसके अंदर डालना है फ्रेश धनिया और यहाँ पे फ्रेश पुदीना डालेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 3 हरी मिर्च, तो तीखी वाली मिर्च है, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। 3 लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/2 टीस्पून शुगर और 1/2 प्याज डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ना आपको दही लेनी है आधी कटोरी, या आप दही ना थोड़ा गाढ़ा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दही को आप सूती कपड़े में डाल के थोड़ी देर लटका दीजिए, जिससे कि उसका पानी निकल जाएगा और फिर दही थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। फिर दही को अच्छे से फेंट लेना है। उसके बाद इसके अंदर जो हमने चटनी पीस के रखी हुई है वो मिलानी है। तो थोड़ी थोड़ी चटनी डाल के आप इस तरीके से इसे मिलाते रहिए। तो पूरी चटनी को हम इसी तरीके से डाल के इसमें मिला देंगे। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही इसका अलग टेस्ट होता है। आप एक बार इस चटनी को ज़रूर किसी भी समोसे या कचौड़ी के साथ बना करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अभी मैंने इसमें सारी चटनी डाल के इसे अच्छे से मिला लिया है। अच्छे से मिलाने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा नींबू का रस और डाल देंगे, जितना हमें खट्टापन चाहिए होगा। तो आप नींबू का रस इसमें ज़रूर डालें, इससे चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आपको खट्टी चटनी पसंद नहीं है तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो नींबू का रस डालने के बाद अच्छे से मिला लिया है, तो चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है। अभी इधर सूजी को भी रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि सूजी अच्छे से फूल गई है, दही और पानी को अच्छे से सोख लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ सब्जियाँ डालेंगे। तो सब्जियों में मैंने आधी बारीक शिमला मिर्च कट करके ली हुई है, 1 प्याज को बारीक काट के लिया हुआ है, 1 टमाटर डाला है बारीक कट करके और 1 गाजर जिसे मैंने कद्दूकस करके लिया हुआ है, और यहाँ पे खूब सारा हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली डाल देंगे। तो ग्रीन चिल्ली मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने इसमें रेड चिल्ली डाली है। आप ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हैं या फिर चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और स्वाद के अनुसार नमक डाल करके इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो सब्जियाँ आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं, इसमें सब्जियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके अंदर जितनी सब्जियाँ डालेंगे उतना ही आपका नाश्ता हेल्दी और टेस्टी बनेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, इसके अंदर डाल के इसे मिला लेंगे। तो आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है, बैटर ना ही तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो आप देख सकते हैं ना कि मैंने कितना लिया है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इनो भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर इसके पानी डाल देंगे, जिससे कि बेकिंग सोडा जल्दी से एक्टिवेट हो जाए। और हाँ, बेकिंग सोडा डालने के बाद ना आपको बैटर को रखना नहीं है, तुरंत ही अप्पे बनाने हैं। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी ये बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैंने इसके अंदर 1 कटोरी सूजी में हाफ कटोरी दही ली है और 1 कटोरी के करीब पानी लगा है, तो बस ये थोड़ा सा पानी बच गया है। तो आपको सभी चीज़ें मेजरमेंट के साथ लेनी है। अभी ने बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे अप्पे का बर्तन लिया है, तो इसे ना ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। तो मेरे पास ब्रश नहीं है तो मैं चम्मच से इस तरीके से ग्रीस कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश है तो उससे भी आप इसे ग्रीस कर सकते हैं, जिससे कि अप्पे चिपकेंगे नहीं, बहुत ही आसानी होगी निकालने में। अब इसके अंदर हमने जो बैटर बना करके तैयार किया है ना वो डाल देंगे इस तरीके से। तो अप्पे बनाना ना बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप सुबह बच्चों के टिफ़िन में बना करके दे सकते हैं, साथ ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो सभी में मैंने अच्छे से डाल दिया है। अभी इसे ढक करके हम 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। तो आपको इसके ऊपर लीड लगा करके 3 से 4 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ देना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है, तो 3 से 4 मिनट के बाद आप इन्हें पलट दीजिए। तो आप देख रहे हैं ना कि चम्मच से ही कितनी आसानी से ये पलट गए हैं, बिल्कुल भी नीचे चिपके नहीं हैं। तो
आपको सभी को इसी तरीके से पलट देना है। तो ये देखिए सारे मैंने इस तरीके से पलट करके इसे ढक करके फिर से 3 से 4 मिनट के लिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से पका लेंगे। तो 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे बन करके तैयार हो गए हैं। इनके नीचे इनकी साइड भी बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। तो अभी इन्हें हम बर्तन में निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे अप्पे बना करके तैयार कर लेंगे। तो जो एक कटोरी सूजी मैंने ली है उसमें आप इस तरीके से 2 बार अप्पे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो दोबारा से इसमें थोड़ा थोड़ा तेल ग्रीस कर लेंगे और इसी तरीके से बैटर को इसके अंदर डाल करके फिर से 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ढक करके, फिर दूसरी तरफ से भी पलट करके 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। तो अप्पे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही कम समय लगता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। खास करके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला नाश्ता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप अप्पे नहीं बना सकते हैं या फिर अप्पे का बर्तन आपके पास नहीं है तो फिर आप कढ़ाई में भी ये नाश्ता बना सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है। अगर आप चाहें तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ना कि कितने टेस्टी और कितने अच्छे हमारे अप्पे बन करके तैयार हो गए हैं। यहाँ पे एक अप्पे को मैं आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से भी कितने अच्छे से पके हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ना कि ऊपर से तो क्रिस्पी है और अंदर से एकदम से सॉफ्ट है। तो आप इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसी किसी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।